मुनव्वर, क्या हाल चाल है आपकी? अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश खुशम रखे, अपने अपने घरों में हमेशा आबाद रहें। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि झटपट से अंडा पराठा किस तरह से बनाया जाता है, जो बहुत जल्दी से तैयार हो जाता है और मिनटों में आप बना के खा सकते हैं। और उसके लिए आपको क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, ये आप लेंगे दो अंडे। दो अंडों के साथ ये मैंने कुछ मसाले तैयार किए हैं अंडों में डालने के लिए। ये है एक छोटी प्याज, उसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। उसके बाद ये टमाटर एक छोटा, उसे भी बिल्कुल बारीक काट लिया है। मोटा होगा तो वो अंडे में अच्छा नहीं लगेगा। ये बारीक बारीक एक हरी मिर्च है। उसके बाद ये हाफ टी स्पून जो है मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, हाफ टी स्पून मैंने नमक पाउडर लिया है, और ये ज़ीरा है बिल्कुल एक पिंच, और ये सूखा धनिया है एक पिंच। इन सबको हम अंडे में डालेंगे और मज़े से अंडा तैयार करेंगे। जी तो सबसे पहले ये हम अंडे लेंगे, इसे हमने बाउल में एक तोड़ लेना है, बिल्कुल ध्यान से अंडा खराब ना हो। ये दो अंडे हैं। अब ये जितने भी हमने मसाले तैयार करके रखे थे ये इसमें हम अंडे में डाल देंगे। ये प्याज, टमाटर, नमक, हरी मिर्च और ये मसाला। और इसे हम फेंट लेंगे। ये अच्छे तरीके से फूट चुका है। अब हम तैयार करेंगे पराठा, जिसपे हमें ये अंडा लगा के पराठा बनाना है। पराठा तैयार करेंगे, पराठा बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल आप पेड़ा बनाएं, उसमें अंदर घी लगाने की जरूरत नहीं है। एक खूबसूरत सा गोल सा बना लेते हैं। ये तवे पे थोड़ा सा ऑयल होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए कि ये रोटी चिपके नहीं। ये इसमें आराम से डाल देंगे आप। चूल्हा तेज कर देंगे, जब ये थोड़ा ऊपर से पकने पर छोटे छोटे बबल नजर आएंगे आपको, तो फिर आपने ये जो आपने मिक्सचर तैयार करके रखा है ये इसके ऊपर आपने लगा देना है। ये देखें आप, अब ये मिक्सचर आपने इस पे लगाना है और इस तरह से फैला देना है ताकि पूरे पराठे पे ये लग जाए। आहिस्ता आहिस्ता फैलाते जाए। थोड़ा सा आपने घी डालना है, ऊपर नहीं डालना है, इसके पीछे जाना चाहिए घी, और इसे फौरन आपने पलट देना है। और इसे आहिस्ता आहिस्ता राउंड राउंड करते जाना है। आप चिमटे से भी ये कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये चीज है, मैं इससे कर लेती हूँ। जो अंडा है इसको दोबारा अंदर कर दें। एक दफा देख ले पलट के, तैयार हुआ ही नहीं हुआ, थोड़ा सा अभी है। अभी यहाँ से थोड़ी कच्ची ये रोटी ना, इसे हम दोबारा पलट देंगे। ये देखें ये कितना खूबसूरत लग रहा है, एक तरफ से ही बिल्कुल पक चुका है। अब ये बिल्कुल हल्की आंच पे आप इसे आहिस्ता आहिस्ता पकाएं। एक प्लेट ले लें। ये हमारा अंडा पराठा
तैयार हो गया है। इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार, मिनटों में नाश्ता तैयार। ये लीजिए, ये आपका नाश्ता तैयार हो गया है मिनटों में। अब आप इसे मज़े लेके खाएं। मुझे यकीन है कि ये आपको बहुत पसंद आई होगी रेसिपी, और अगर पसंद आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं आप, और किस तरह से मज़े लेके आप खा रहे हैं। और मेरे तो मुँह में अभी से पानी आ रहा है कि मैं इसको अभी लेके खा लूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी आपसे। अल्लाह हाफिज़।